પ્રચાર ના પડખમ સાંજ થાય તે અગાઉ જ સુરતમાં રાજકીય ગરમાવો ચરમ સીમાએ પહોંચી ગયો છે. રાત્રિ રોકાણના બીજા દિવસે આપના સુપ્રીમો અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે મીડિયાને સંબોધિત કર્યા હતા, જેમાં અરવિંદ કેજરીવાલે સતત બીજા દિવસે લિખિતમાં ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું હતું કે સુરતની 8 જેટલી બેઠકો પર આપ જીતે છે. કથરિયાએ અને ગોપાલ ઇટાલિયા સહિત ઈશુદાન ગઢવી પણ જંગી બહુમતીથી જીતશે તેવું લેખિતમાં મીડિયા સામે રજૂ કર્યું હતું. મહત્વપૂર્ણ એ છે કે ગત રોજ કેજરીવાલે આપની સરકાર બનતી હોવાનું લેખિતમાં ભવિષ્યવાણી કરતા આપ્યું હતું કે અરવિંદ કેજરીવાલે ફરી એક વખત પોતાના પક્ષના મોટા ચહેરાઓ જંગી બહુમતી જીતી રહ્યા હોવાના આત્મવિશ્વાસ દેખાવ્યો હતો. પાટીદાર પ્રભુત્વવાળી બેઠકો પર ઊભા રહેલા ગોપાલ ઇટાલિયા અને અલ્પેશ કથરિયા વરાછા બેઠક ઉપર તથા મનોજ સોરઠિયા સહિતના 8 જેટલા નેતા સુરતથી જીતશે. કેજરીવાલે કેટલાક મહત્વના મુદ્દાઓને લઈને પણ ટક્કર કરી હતી. અરવિંદ કેજરીવાલે મીડિયાને સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે લોકોમાં ખૂબ ડર છે, ભાજપના ગુંડાઓ વેપારીઓને હેરાન કરી રહ્યા છે, સતત મારપીટ કરે છે, હપ્તાઓ વસૂલી રહ્યા છે, જેના કારણે એ લોકો ખુલીને અમને સમર્થન આપતા નથી, પરંતુ અમે આ તમામ વેપારીઓ ને ઘરપત આપી છે કે અમારી સરકાર બનશે એટલે આ હપ્તા રાજ નાબૂદ કરવામાં આવશે. કે વેપારીઓ સે મીટિંગ હુઈ, આજ અમારી ડાયમંડ કે વેપારીઓ સે મીટિંગ હે. ઉસકે પહેલે ભી આપ લોગોં કો યાદ હે કે અલગ અલગ શહેરો મે જાકે હમને વેપારીઓ સે મીટિંગ કી થી. સબ જગહ એક હી ચીજ નિકલ કે આ રહી હે, વેપારીઓ કો જબરદસ્ત તરીકે સે ધમકાયા જાતા હે, ઉનકે સાથ ગુંડાગર્દી કી જાતી હે, ઉનકા અપમાન કિયા જાતા હે, उनको गंदी गंदी गालियाँ दी जाती है और उनसे वसूली की जाती है. इस तरह से व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? ये चुनाव बदलाव का चुनाव है. सभी व्यापारियों ने हमें भरोसा दिया है, और जब मैं बोल रहा हूँ सभी तो लगभग सभी व्यापारियों ने भरोसा दिया है. वो खुल के साथ नहीं आ सकते, उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनका धंधा चौपट कर देंगे. लेकिन अंदर खाने एक एक व्यापारी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देने वाला है. मेरी सभी व्यापारियों से अपील भी है कि आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन इज्जत नहीं मिली तो क्या फ़ायदा हुआ. अगर एक छोटा मोटा इनका कार्यकर्ता भी अगर आपको फ़ोन करके आपको गाली गलौज कर सकता है, आपको धमकी दे सकता है, आपके साथ गुंडागर्दी कर सकता है, ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा. ये मौका है आपका, ये पूरा सिस्टम उखाड़ के फेंक दो आप. आपको हमारी पार्टी आएगी, आपको पैसा कमाने का भी अवसर होगा, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे. आप बिना डर के अपना काम कर पाएंगे, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा. बिना मान और सम्मान की क्या ज़िंदगी है. तो सभी व्यापारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं. एक चीज़ और आज मैं गुजरात की महिलाओं से और युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से. आप तो वोट दे रहे हैं लेकिन इस बार आप अपने अपने घर में अपने जितने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार कीजिए. उनको मनाइए, बिठाइए, पुचकारिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन परिवार के सब सदस्यों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहिए. महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि पहली बार कोई पार्टी आई है, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको महंगाई से छुटकारा दिला देंगे. इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है. 15-20 दिन में, महीने के पहले 15-20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाएं. तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है जो कि हम 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे, इसका महिलाओं के अंदर खासकर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है. महिलाएँ इससे बहुत खुश हैं कि हर परिवार के 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे, 1000-1000 रुपये महीना डालेंगे, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं. उन्हें लगता है कि महंगाई से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा. हमने जो ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने देंगे. दिल्ली में 7 साल से हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी. जितनी गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूल वालों ने मचा रखी थी वो सब ख़त्म की हमने. यहाँ पर भी अगले 5 साल कोई प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस नहीं बढ़ाएगा, इससे परिवारों को महंगाई से मुक्ति मिलेगी. जितना इलाज का, दवाई का खर्च आता है, हम सभी परिवारों का सारा इलाज मुफ्त करेंगे, शानदार इलाज कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे और मुफ्त इलाज कराएंगे, इससे आपके घर का खर्चा बचेगा. तो अकेली आम आदमी पार्टी है जो महंगाई से आपको मुक्ति दिला सकती है.
अकेली आम आदमी पार्टी है जो रोजगार बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकती है। इसी वजह से ढेरों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने कहा कि जो पेपर फूटते हैं गुजरात के अंदर, इससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। जितने 12 केस हुए हैं पेपर फूटने के पिछले कुछ सालों में, सारे केसेस को खोला जाएगा और उनको 10-10 साल की सज़ा दिलवाई जाएगी जिन लोगों ने पेपर बेचने का काम किया। अगले एक साल के अंदर सारी सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर दी जाएगी और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इन सभी हमारे जो ऐलान हैं, इसकी वजह से खासकर युवा और महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में, हमारे सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि युवाओं में और महिलाओं के अंदर हम बीजेपी से बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे। दोनों के अंदर कोई मुकाबला नहीं बचा है। महिलाएं जम के आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, युवा जम के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। आज युवाओं से और महिलाओं से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपने घर के एक एक सदस्य को आपको किसी भी तरह से बिठा के आपको मनाना है, वोट डलवाने ले जाना है और मनाना है कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर।